अगर आपकी डाइट में ओमेगा थ्री है या ओमेगा थ्री के रिच सोर्सेज है जैसे कि मछली है, नट्स है, सीड्स है, तो इन लोगों की भी जहनी सेहत जो होती है वो बेहतर होती है, क्योंकि ओमेगा थ्री आपके फोकस को, कंसंट्रेशन को और मेमोरी को बेहतर करता है। जितनी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट होती है उससे कहीं ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज़रूरी होती है कि आप इसका ख्याल रखें, और अगर आपको कोई इशू आए तो उसको जो है एज़ सून एज़ पॉसिबल एड्रेस किया जाए। हमसे अक्सर लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसी खुराक है या कुछ ऐसे खाने हैं जिनको अगर हम खाएँ तो हम अपनी जहनी सेहत को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, या अगर हम किसी बीमारी का शिकार है तो उससे हम जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे खाने हैं, वो कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो अगर आप अपनी डाइट में, आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में ऐड करते हैं तो उसके साथ आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर होती है और आप बेहतर फील करते हो। इसमें पहली चीज़ जिसके बारे में मैं बात करूँगी कि जो आपकी डाइट में अगर ऐड है तो उसके साथ आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंटली उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, वो प्रोटीन्स का इस्तेमाल है। जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो चिकन लेते हैं, मीट लेते हैं, दूध लेते हैं, या उसमें उनकी एग्स वगैरह की जो है वो इंटेक अच्छी होती है, तो ऐसे लोगों की जो जहनी सेहत होती है वो काफ़ी बेहतर होती है, क्योंकि इससे आपके ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग जो होता है वो फील होता है और आप जहनी सेहत में बेहतर होते हैं। दूसरा इसमें किरदार आता है ओमेगा थ्री का। अगर आपकी डाइट में ओमेगा थ्री है या ओमेगा थ्री के रिच सोर्सेज है जैसे कि मछली है, नट्स है, सीड्स है, तो इन लोगों की भी जहनी सेहत जो होती है वो बेहतर होती है, क्योंकि ओमेगा थ्री आपके फोकस को, कंसंट्रेशन को और मेमोरी को बेहतर करता है। इसके अलावा जो लोग बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, उदासी का शिकार रहते हैं, डार्क चॉकलेट उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप डार्क चॉकलेट लेते हैं तो इसके साथ आपका मूड अपलिफ्ट होता है और आप अच्छा महसूस करते हैं। और लास्ट में जिसका जिक्र करूंगी वो हमारी एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी है जिसमें बेरीज आती है। अगर आप अपनी जहनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं और बेरीज खाते हैं जैसे स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स होता है जो आपके माइंड सेल्स को, आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं उन्हें डिटॉक्स करता है, क्योंकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को, प्रोटीन्स को, गुड फैट्स जो ओमेगा 3 होते हैं, डार्क चॉकलेट को और आपके जो एंटीऑक्सीडेंट फूड्स हैं उनको रूटीन में ऐड करें, तो इससे यकीनी तौर पर आपकी जो जहनी सेहत है वो बेहतर होगी। तो सिंपली अपने खाने को जब मॉनिटर करते हैं हम और खाने में कुछ चेंजेस लाते हैं, तो जहाँ पर हमारी फिजिकल हेल्थ बेहतर होती है वहीं पर हम अपनी जहनी सेहत को भी जो है वो बेहतर कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।